कल्याण विभाग द्वारा लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया गया था, जो कि 2016 में किया गया था, जिसे 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, अर्चना सिंह जी। सबसे पहले उनका परिचय ले लेते हैं। मैम, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अर्चना सिंह है और मैं वन स्टॉप सेंटर की सेंटर इंचार्ज हूँ। मैं 2016 से यहाँ पर कार्य कर रही हूँ। मैम, किस तरह की चुनौतियाँ आप लोग के सामने आती हैं, महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के? जब हम फील्ड पे काम करते हैं तो हमारे साथ चुनौती नहीं, चुनौतियों का पूरा एक अंबार होता है। छह पब्लिक को संभालना, लोगों को समझना, या जिस घर से हम किसी महिला को या बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, तो हमारे लिए हमेशा जो विपक्ष होता है, जो दूसरी पार्टी होती है, वो एक प्रतिद्वंदी के तौर पे काम करती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़े का या मारपीट के जैसे माहौल बन जाता है, तो इन सब का ही सामना हमें करना पड़ता है। तो मैम, उन सब चीज़ों का आप लोग सामना किस तरह से करते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह की दिक्कतें खड़े करते हैं ऐसे काम करने में? हाँ, ये आम जनता के बीच के ही लोग होते हैं जो शायद उनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम हमेशा द्विपक्षीय काम करते हैं। एक हमारा प्रथम पक्ष होता है जो शिकायतकर्ता होता है, एक द्वितीय पक्ष होता है जिसके विरुद्ध शिकायत होती है। तो उन्हें क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सही समझता है, उसके साथ में कुछ लोग होते हैं जिससे उसे लगता है कि नहीं, वो सही है। हाँ, यहाँ पर जब हम उनको लेके आते हैं, उनको उनसे बातचीत होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का भी एहसास होता है। और इसमें हमारा जो सबसे जो चुनौतियाँ आती हैं, जो हमारा सहयोग करती है, वो हमारी पुलिस टीम है, हमारी अपनी टीम है, और टीम की सूझबूझ है कि उसको फील्ड पे कैसे काम करना है। साथ में हम संबंधित थाने को कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। मैम, किस तरह के केसेस आपके पास ज़्यादातर आते हैं? हमारे पास जो केसेस आते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा आते हैं, और हमारे पास वर्क प्लेस हरेसमेंट के भी केसेस आते हैं, डावरी के भी केसेस आ रहे हैं, स्टॉकिंग के भी मामले आते हैं, बच्चों से भी रिलेटेड, जैसे अभी हम लोग चाइल्ड लेबर रेस्क्यू कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे पास महिलाएं एवं बच्चों से के सभी प्रकार के मामले आते हैं, वो किसी भी प्रकार से हिंसा ग्रसित हैं। मैम, चाइल्ड लेबर रेस्क्यू की आपने बात की, जैसे वो कब से आपने शुरुआत की है और अभी तक कितने बच्चों को रेस्क्यू कर चुके हैं? ये NCPCR से एक सभी सरकारी विभाग जैसे श्रम विभाग है और महिला कल्याण विभाग है, पुलिस विभाग है, उसमें हमारी चाइल्ड लाइन है, वन स्टॉप सेंटर है, ICPS है, बचपन बचाओ आंदोलन के लोग भी हैं, उनकी एक पूरी टीम है जिसमें 16 से लेकर 20 तारीख तक एक अभियान चला रहा है कि जितने ऐसे बच्चे जो किसी ढाबे पे या किसी मैकेनिकल शॉप पे काम कर रहे हैं, जो नाबालिग हैं, उनका रेस्क्यू करना है। तो उनको जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना चल रही है, सामान्य बाल सेवा योजना, उससे जोड़ना है, जिससे उनको हमारे देश के जो युवा आने वाले समय में वो युवा हों, उनके हाथ में रोजगार नहीं, शिक्षा होनी चाहिए। और मुझे लगता है तभी शिक्षा, अगर हर युवा के बीच में एक अच्छी शिक्षा होगी, तभी देश तरक्की करेगा। तो मैम, क्या जिन बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनके लिए शिक्षा और मेडिकल या रखने की उनको फैसिलिटी, ऐसी भी कुछ सुविधा है? हाँ, जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, चूँकि एक प्रक्रिया होती है, उनको CWC के पास प्रस्तुत किया गया है, उन्हें संस्था में रखा गया है और संस्था में उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। देखिए, हमारा उद्देश्य कहीं भी नहीं है उनको रेस्क्यू करके उनको हैरेस करना, उनको एक अच्छा माहौल देना और उसके बाद उनका मेडिकल करा के उनके घर वालों को हैंड ओवर करना। इसी वजह से हमें एक डाटा मिल जाएगा कि उन बच्चों के माता पिता के नंबर, जिससे उनको हम सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कर पाएंगे, जिससे वो विद्यालय जाएँ, दुकानों पर काम ना करें। मैम, अभी आपने डोमेस्टिक वायलेंस और वर्क प्लेस हरासमेंट केसेस की बात की, तो इनसे आप लोग किस तरह से निपटते हैं? और जो लोग आते हैं जो दोबारा से अपने घर नहीं जाना चाहते हैं या फिर उनके सामने किसी भी तरह की समस्या होती है, तो उनके साथ आप लोग क्या करते हैं? देखिए, जो अपने घर नहीं जाना चाहते हैं, महिला कोई ऐसी आती है, उसके लिए हम लोग संस्था में महिला शरणालय है हमारा, वहाँ पे हम लोग उन्हें रखाते हैं। वहाँ पे वो कुछ ऐसे उनके पुनर्वासन के लिए उनको 6 महीने की 2 महीने की ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो आगे अपना काम कर सके और वो फिर किसी न किसी रोज़गार से जुड़ जाते हैं। देखिए, बालिग होते हैं, उनका अपना निर्णय होता है कि वो संस्था में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन संस्था का या हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उनका पुनर्वासन करना। और मैम,
आपने एक सवाल पूछा था कि आपके पास घरेलू हिंसा या वर्क प्लेस हरेसमेंट कैसे मामले आ रहे हैं, तो देखा जाए कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के मामले पहले भी बहुत थे, लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं वो महिलाएं हमारे यहाँ जो बहुत चुप बैठी थी, उनके साथ कुछ भी हो रहा था, केसेस ज़्यादा नहीं है, पर महिलाओं ने अब उसे रिकॉर्ड दर्ज कराना शुरू किया है, उनका शिकायती पत्र अब ऐसे फोरम पे आने लगा है, तो हम लोगों को लग रहा है कि हिंसा बढ़ रही है, पर हिंसा पहले भी थी, आज भी थी, बस हिंसा का जो रिकॉर्ड है वो एक दर्ज हो रहा है, और उनको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से, चाहे हम काउंसलिंग करके, FIR पंजीकृत करके, या किसी ना किसी प्रकार से हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद महिलाएं दोबारा घर जाती हैं, कुछ दिनों बाद फिर से अगर उनके साथ वही चीज़ें दोबारा होती हैं फिर क्या करते हैं? देखिए, वन स्टॉप सेंटर का जो एक नियम है कि हम 6 महीने तक उनके साथ फॉलो अप करते हैं, 6 महीने तक हम उसमें 3 बार विजिट भी करते हैं, उनके घर पे होम विजिट करते हैं, इससे ये रहता है कहीं ना कहीं परिवार को भी रहता है कि सरकार बार बार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी कोई हिंसा उनके साथ फिर शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि केस यहाँ बंद हो जाता है, वो उस डेट की फाइल फिर वो रीओपन करा के और अपने केस को फिर से काउंसलिंग करा सकती हैं, या मुझे लगता है बार बार हिंसा सहने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लीगल सहायता, चाहे FIR है या कोर्ट प्रोसीजर में जो उनको विधिक सहायता चाहिए होती है, वो वन स्टॉप सेंटर पूरी तरह उनको उपलब्ध कराता है। मैम, 3 तलाक के केसेस भी क्या आपके पास आते हैं? 3 तलाक का जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, पहला वो वन स्टॉप सेंटर के द्वारा ही लखनऊ में पंजीकृत कराया गया था, दूसरा मुकदमा चिन्हट में कराया गया था, तो 3 तलाक के भी केसेस हमारे पास आते हैं, हाँ, पर उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं आते हैं, साल में कहीं 1 या 2 आते हैं इस तरह से। मेरे ख्याल से ये मामला जो है ये ज़्यादा जटिल होता है, इससे किस तरह से निपटते हैं आप लोग? किस तरह का मामला? 3 तलाक का? जी, जो 3 तलाक का मामला होता है, देखिए, जब एक्ट हमारा सीधे सीधे अब कानून कह रहा है कि 3 तलाक हम बोल के लिख के इस तरह नहीं दे सकते, और अगर इस तरह से कोई कर रहा है तो उस पर तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत कराया जाना आवश्यक है। अग्रिम प्रक्रिया जो होती है वो माननीय न्यायालय की होती है, और न्यायालय पर सभी को भरोसा है, जो भी निर्णय होगा वो अच्छा ही होता है, और कहीं ना कहीं महिला को ये लगने लगा है कि जो उसको एक उपभोग की वस्तु बना ली गई थी कि कुछ भी होगा, उसके मन में एक डर रहता था अभी तलाक तलाक बोल के उसका रिश्ता टूट जाएगा, तो अब उसके मन में कहीं ना कहीं एक मजबूती आ चुकी है कि हमारे लिए भी कानून है, और मुझे लगता है इसमें रिश्ते थोड़े मजबूत भी हो गए हैं, उन पुरुषों को भी और उन परिवार वालों को भी ये डर हो गया है कि अगर हम ऐसा कुछ मसला करते हैं तो हमारे ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मैम, आपकी तरफ से और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही? देखिए, हमारी तरफ से तो कोई योजना नहीं है, पर सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो वन स्टॉप सेंटर है, कन्या सुमंगला योजना है, और बाल सेवा योजना है, कोविड बाल सेवा योजना है, विधवा पेंशन है, ये जो महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती हैं। मैम, अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली, तो उस टाइम कई लोग ऐसे होते थे जो आ नहीं सकते थे, तो क्या आपने ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ शुरू किया, और कोई हेल्पलाइन नंबर? कोविड में अगर देखिए 181 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, प्लस हमारा जो CUG नंबर था वो हमने अखबारों में निकलवाया था कि लोगों तक पहुँचे, और बहुत सारे लोगों ने हमसे मदद ली, चाहे वो राशन की हो, दवाइयाँ हो, हमारी टीम ने कोविड के समय में घर जाके कोविड की दवाइयाँ लोग बंधु हॉस्पिटल से लेके उनको घर घर पहुँचाई है, उनको जब उस ऐसे दौर में COVID-19 की महामारी में पूरा परिवार संक्रमित था और वो घर से नहीं निकल पा रहे थे, तो उन्हें दूध हो, अंडा हो, ब्रेड हो, राशन हो, हम लोग खुद से कर रहे थे, NGO से कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि देखिए एक उस टाइम में जो चीज़ें थी एक विशाल रूप था, तो मुझे नहीं लगता है कि एक छोटा हाथ उसमें कुछ कर सकता है, तो हम लोगों ने एक कड़ी से कड़ी जोड़ी, सारे NGO पब्लिक, हम लोग एक साथ, कुछ भी कोई दे रहा और कहीं से भी फ़ोन आ रहा वहाँ पर लोग पहुँच जा रहे थे। कभी कभी तो ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि संस्थाओं में या कहीं ऐसे लगा है कि किसी को बेड नहीं मिल पा रहा है, तो वन स्टॉप सेंटर की ये पूरी कोशिश रही है उसको बेड दिलाना, इवन हमें पता है ये बंदा पॉजिटिव है, उसके बाद भी हम अपनी गाड़ी में ले जाके, उसके कई बार हमारा स्टाफ भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन हम लोगों ने कोई हिम्मत नहीं तोड़ी और ये नहीं सोचा कि ये हमारा काम नहीं है। उस समय वन स्टॉप सेंटर की टीम का बस यही मुहिम था कि खुद के साथ साथ हम दूसरों की भी रक्षा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन महिलाओं को जिनके साथ ऐसे कोई भी घटना होती है, या फिर बच्चों के साथ किसी को भी, क्या संदेश देना चाहेंगी?
आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी महिला या बच्चे के साथ कभी भी कुछ भी उसको ऐसी शंका भी होती है कि उसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है या कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो वो 181 डायल करें। हम उनके लिए 24/7 सिर्फ 8 घंटे नहीं 24 घंटे हम उनके लिए खड़े हैं। और कभी भी 181 डायल करें, हमारा CUG नंबर डायल करें, हम उन तक पहुंचेंगे, हमसे उनको जितनी मदद हो पाएगी वो उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो कानूनी सहायता हो, वो रेस्क्यू हो, पुलिस सहायता हो, शेल्टर संबंधी सहायता हो या अन्य मसले भी। बच्चे अपनी बात कह सकते हैं हमसे पूरी, तो मेरी पूरी यही कोशिश है कि वो 181 नंबर नोट कर लें। कभी भी उन्हें 24/7 कोई दिक्कत होती है ये नंबर डायल करें, हमें उतना ही समय लगेगा उन तक पहुंचने में जितने उनकी घर की दूरी होगी। थैंक यू सो मच मैम। ये हैं अर्चना सिंह जी, इनकी बातें आपने सुनी और महिलाओं से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान इनके पास है। अगर वो नहीं कर पाती हैं तो कोई ना कोई कोशिश करके उनका समाधान करने की कोशिश करती हैं। वन स्टॉप सेंटर जो है वो सदा आपकी सेवा में तत्पर है। आप आएँ अपनी समस्याएँ लेकर और उसका निवारण लेकर जाएँ। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।